उत्तराखंड की कहानियों की सीरीज में आज आपके सामने पेश है 8वीं कहानी, चल मेरी चिपड़ी तुअर मी। उम्मीद है कि आपने पिछली कहानियाँ सुनी होंगी। इन कहानियों के लिंक इस कहानी के बीच में ऊपर इन बटन में आएंगे। आपको ये लिंक नीचे शो मोर को क्लिक करने पर भी मिल जाएंगे। तो आज सुनता छो एक नई कहानी, तो फट से कर दिया इंथे लाइक और शेयर। और अगर आपने अभी तक उत्तराखंड का या विशेष चैनल घसेरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन और उसके बाद आने वाली घंटी को, तभी तो इस चैनल के हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। यत छे चैनल की बात, अब नई कहानी सुनना खुणे की बैठ जावा म्यारा साथ। एक गांव में एक गबरू जमान छाए, छह बहनों के एक भाई, वो भी सबसे छुट्टू, तो वे करना खराब नहीं छाए। वे कु बाबा गांव को प्रधान छाए, खूब जमीन जायदाद छहों की। बोनो मतलब यो च कि कोई चीज़ है कमी नहीं छहों खुणे, मर जाए थी छई तो घरों कुछ काम कर दीन छाए, नतर लंडियोर घूमणो रहन छाए। जन तन के वे ने पांच पास कर दिया छाए, वे बबुन बोल पढ़ने भी क्या जरूरत, इतना खेत वहीं ते संभाल लो। वे कब वे बबू ने नौ न होना बार में शिव मंदिर में खड़ रात्रा कह छे, अरे यहाँ वे को नाम भी उन शिव प्रसाद रखी दे, पर गांव वाला वे खुणी की शिबू तू कोई पदनु नौन बोल दो छाए, दिखेणो बड़ो सुंदर छाए शिबू, पैसा पल्ल भी रहें दे छाए वे माँ, यहाँ वे पर भारी त्राण छे लोग बाग, वे एक पीठी पिछने गिच्छ बने एक बोलता भी छाए, कौड़ी को ना काम कर खटियाण दे। शिबू भी गांव की बाजू अर ख्याला म्यालों में आने वाली शालियों पर रौब जमाणम कसर नहीं छोड़ दू छाए। बनो मतलब यो छ कि शिबू जरा रंगीन मिजाजो भी छाए। यूं ही शिबू महाराज खुणी एक दूर गांव बटे रिश्ता आए गए, वो भी अपना गांव प्रधान छाए। शिबू का बुबन रिश्ता खुणे की हाँ कर दिया है, पुराना जमानम नौन परदेश रहन छाई और घोरम ब्याह हुए जान छाए, तब शिबू क्या हिम्मत कि वो नौनी देखणो खुणे जा, पहले आ जमान इन अच्छ भी नहीं मने जान छाए। यहाँ न शिबुन भी अपन हूण वाल घर वाल नहीं देखी, बड़ा धूमधाम से वो एक ब्यो हो गया। बारात घर में आई तो गांव की जनानी ब्योली दिखणो पहुँच गई नहीं, उमा बटे कुछन खुशबुश खुशबुश भी कह रही। आखिर में जब शिबुन भी अपनी ब्योली देखी तो वो एक दिल जरा धक्की से रह गया, सब कुछ ठीक छे ब्योली में पर वहीं की नाक चिपड़ी छे। शिबू की बुबम बोलना है तो हिम्मत नहीं छे, पर बुए मुन बोली दे, वे का बुबा तक भी बात पहुंच गए। पर बुबा की एक खबरदार से वो समझ गई कि जिंदगी ई छोरी दगड़ बिताण पड़ेली, बल बद अछिन कि बुए खुणी अपनो नौन्याल प्यारू। शिबू की बुई जबर तबर अपिड बुआर थे ताना दे दीन छे। शिबू का दिमाग तो गाँव का बावजूद ज़्यादा खराब कार, ऊन वे कह रमिणी कि चमड़ का एक बाल न भय दूरा, तू क्या बैग छे तू ही खून से भली सुंदर बांध आण चैनी छे। एक इन बाल मिंत जीम बोल व्याल छे कि शिवदगड़ मेर भुली रिश्ता कर दियावा, तेर ते दिखी छे वा मी जन बांध छे वा अभी, पर दूरा त्यार बे बहुत है या चिपड़ी पसंद छे। शिबुक दिल बोनू छाई कि अब भी घर में जाए अपिट घरेल थे भैर भगे दिया, पर वो इन्नी कर सको छाए। वे की घरवाली को नाम तिलोत्मा छाए, पर सभी वहीं खुणे की तिलबुद छाए। शिबुन वहीं को नई नाम धैर दिया है चिपड़ी, वे की बुए भी वहीं थी चिपड़ी बोली चिड़ान छे, पर यह चिपड़ी यानी तिल्ला बहुत गुणवान छे। वहीं अपना काम से व्यवहार से और मीठी बोली से सास ससुर को दिल जितना टाइम नहीं लगे, वहीं थे विश्वास छाई कि एक दिन वहीं जमे भी वहीं थे प्यार करण बैठ जाल। जल्दी कौथी घूम टाइम है गया, शिबू बड़ा शौक से कौथी घूम जान छाए। वे का गांव से कुछ दूरी पर शिव मंदिर में बहुत बड़ी कौथिक लग उछाए, शिबू हर साल वे कौथिक जान छाए। आखिर यही मंदिर में वे का बोए बबुन खड़ रात्रा कह छे। शिबू ने अपने बोए खुण बोल मिन
चिपड़ से लेख नहीं जान कौती गुम मेरी बेजित है जान वही की बहन अपनी बुआरी की तरफदारी का है सिनकन बनू छे तू बुआरी को पहली कौतिक वहीं थे तिली जानी पौड़ल तुझे आपड़ दगड़म हम बूट बूढ़िया उनकन के जान कौती गुम बहन तेरी भी वेगेन हमार घर बटे कोई बैठुल नहीं जाल है मंदिरम ना 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 इन्नी कौन जब बुन बोल दिया ही तो बुबा खुणाई बुना एक तो हिम्मत ही नहीं चाहे शिबू की मन मारिक वे थे अपिट घरवल थे कौथी गली जान पाड़ कौथी का खुणाई सबसे बादम निकली वो दुया गांव बटी काफी दूर जाना बाद शिबू ने अपन घरवल दिन बोल ये चिपिड़ी तू दगड़ कौथिक जान हम तो मेरी बेइज्जत हूं मैं तु दगड़ नहीं जानू छो कौथिक वो एक घरवाली चुपचाप राय पहली वह खुश हुई छई कि वहीं गुजवें वहीं थे कौथिक ले जानो तैयार हो गया और अब वे की बात सुनी कि वहीं का आंसू निकलन बैठ गई शिबुत रस्त भर ई तरतीब लगाणू राई कि कन के कौथिक जान से पहलू वे को अपने घरवल से पीछे छुट जा वेन फिर बोली चिपड़ी तू एक काम कर मैं कौथिक अकेले लाग जबर थे मैं आंसो तो से पूजा पुटक बैठ जा तिलन स्वाच कि वहीं का भाग इन छन तो वह अभी क्या कार वहीं अपुट जमे को बुलियो मान दिया है और चुपचाप बुझे मुड़ बैठ गया वह इतगा दुखी हो गया छई कि वहीं की डौर भी भाग गया है शिबू पर तजन पंखुड़ लग गिन वो खुश हुए कि कौथिक चलिए तिल्ला बुझे मुड़ बैठी रूंद रूंद चुपचाप अपना ठाकुर जी को ध्यान भी कनी और ऊपर गुस्सा भी निकल नहीं रहा है उन्हें शिबू थे कौतिकम अपना दगड़िया गांव की भौजी और दूरुख शैली भी मिल गई ऊन फिर गि चमड़ गए ये वह चिपिड़नी है तू दगड़ तीन ठिकी का है जुम्मी थे लेख नहीं आए कख तू बह कर कख हुआ भौजून वो एक दिल टटवाल एक अनबाल ये दूरा इबर तीन जलेब नहीं खिलाने तबर इन्हें बेटी एक सियादिन बोल दिया हमार जी जत बहुत दिलदार छ बस तब बोलो क्या चाहे सिबू तो पुलों में चढ़ गया वैन कहते जलेब खलाए तो कहते ही टिकुली बिंदुली दिलाए शाम भगत हूं धूंद भौजी अपना रास्ता लग गीन और शियादी भी दगड़िया वे का अपनी घर वालियों दगड़ चली गए रह गया ये कुल शिबू तब वे थे अपने घर वाली की याद आई पहली वे थे कोई फिकर नहीं चाहिए कि वहीं थे रिक बाग गुरो खे सकत पर अब वे थे फिकर हो गया हंपुद हंपुद वो बुझा समिट पहुँच तो वेन देखी कि चिपिड़ वख में चुपचाप मुख ढकैक बैठी छ जख्म मोइल बिठे छे वेन डरित डरित बोली चिपड़ी वहीं मुंड उब उठाई और बोल हाँ वेन वो वखम बटे उठे कि अपन छाती पर लगा दिया फिर वेन वहीं को हाथ पकड़ और बोल चल मेरी चिपड़ी तु यरमी अब शिबू थे अकल लगे छे वे दिन बटी वो अपने घरवाली थे खूब प्यार करण बैठ गया अब वे इन चिपड़ी बोनू भी छोड़ दिया और गाँव वालों की कहे की हिम्मत नहीं छे जो वे एक समय हुई कि चुगली उड़ा दिया तो यह छे कहानी कन लगी तुम थे बताया जरूर और हाँ ई कहानी से हम ते कई सीख मिल दिन पहली सीख थी आज कि बाहर की सुंदरता से भीतर की सुंदरता ज्यादा महत्व रख दे दूसरी सीख छ कि दुनिया को सबसे बड़ो रोग क्या बोलाला लोग लोगों गिचु कैन पकड़ साक दुनिया का बारम सोचना रहला तो जीण मुश्किल हो जाओ तीसरी सीख छ कि तुम अपना व्यवहार से कई को भी दिल जीत सक दो और चौथी और सबसे बड़ी सीख कभी अपनी घरवाली या परिवार का कई भी सदस्य की तुलना कई दूसरे दगड़ नहीं कन चेंद तो आज खुणे इत गए अगर तुम थे भी कोई कहानी याद छ तो वहीं थे हम खुणी भेज दिया वा अच्छी लगली तो हम तुम्हारा नाम सहित वहीं कहानी थे अपना चैनल पर चलौला पहला आगू समन्या नमस्कार